हेलो, इस वीडियो में हम 10 ऐसे एडजेक्टिव्स को देखेंगे जो कि बड़े, बहुत बड़े साइज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। बड़ा कैसा साइज? वेल, एग्जांपल देखिए, चित्तौड़गढ़ का किला 690 एकड़ में फैला है। बोइंग 777 180,000 लीटर फ्यूल लेके उड़ सकता है। अभी ऐसी बड़ी चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए अगर हम वर्ड लार्ज या ह्यूज यूज करते हैं तो थोड़ा इनएडिक्वेट लगता है। तो यहां हम 10 ऐसे एडजेक्टिव्स देखेंगे जो कि ह्यूज या लार्ज से ज्यादा अच्छी तरह हमारे आइडियाज को कन्वे कर सकते हैं। ये सारे वर्ड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है। तो चलिए चालू करते हैं। पहला, इनॉर्मस। अभी देखिए, इनॉर्मस का रूट है नॉर्म, नॉर्म से बना नॉर्मल। तो नॉर्मल से जो हटके हो, नॉर्मल से जो बढ़के हो, वो है इनॉर्मस। एक्स्ट्रॉर्डिनरीली लार्ज इन साइज, एक्सटेंट, अमाउंट, पावर और डिग्री, ये है इनॉर्मस। एग्जाम्पल, द फ्यूल कैपेसिटी ऑफ बोइंग 777 इज इनॉर्मस। इट कैन कैरी 1,81,000 लीटर ऑफ फ्यूल। एग्जाम्पल में देखिए, आपका जो गाड़ी है, आपकी जो गाड़ी है वो 20 से 30 लीटर से ज्यादा फ्यूल नहीं ले सकती है, और बोइंग 777 180,000 लीटर फ्यूल लेके उड़ता है। इनॉर्मस। सेकेंड वर्ड, जाइगेंटिक, दायित्याकार, जायंट से रिलेटेड या जायंट के जैसा। कंपेयर टू नोकिया 1100, सैमसंग S7 हैज अ जाइगेंटिक स्क्रीन। थर्ड वर्ड, एलिफेंटाइन, हाथी जैसा, एलिफेंट जैसा। ऑफ ग्रेट मास, ह्यूज और बल्की, द एलिफेंटाइन केक कैन फीड 50 पीपल। इतना बड़ा केक है कि वो 50 लोगों को खिलाया जा सकता है। The elephantine cake can feed 50 people. Fourth, gargantuan. Gargantuan, again, elephantine jaisa, of great mass, huge or bulky. अभी आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट को बैन कर दिया और इनको एक्सचेंज करने के लिए नए 2000 के नोट ले आई, और ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए दिन दिए केवल 50। तो ये बहुत ही बड़ा टास्क है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम सेंटेंस यूज करेंगे, इट वुड बी अ गार्गेंचुआन अंडरटेकिंग फॉर द स्टेट। स्टेट यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। फिफ्थ, वॉल्यूमिनस। अभी वॉल्यूमिनस वॉल्यूम से बना, वॉल्यूम तो खुद ही साइज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है वर्ड। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर कोई चीज वॉल्यूमिनस है मतलब वो कितनी बड़ी होगी। वॉल्यूमिनस, लार्ज इन वॉल्यूम और बल्क। सेंटेंस, द रामायण एंड द महाभारत आर टू ऑफ द मोस्ट वॉल्यूमिनस टेक्स्ट्स एवर रिटन। ये सबसे बड़े लेंदी रिटन टेक्स्ट में आते हैं, रामायण और महाभारत। सिक्स्थ, ह्यूमंगस। ह्यूमंगस, वेरी लार्ज, ह्यूज से बना ह्यूमंगस। एग्जाम्पल, द फूड वॉज बॉट आउट ऑन ह्यूमंगस प्लेट्स, बड़े बड़े थालों में खाना लाया गया। सेवंथ, टाइटैनिक। टाइटैनिक टाइटन से आया, तो टाइटैनिक ऑफ ग्रेट फोर्स और पावर। जाइनॉर्मस, जाइनॉर्मस जाइगेंटिक और इनॉर्मस को मिला के बनाया गया एक कैजुअल या इनफॉर्मल वर्ड है, लेकिन यूज किया जाता है। सम पीपल हैव जाइनॉर्मस एपेटाइट्स एंड कैन ईट अ होल तंदूरी चिकन इन वन गो। मतलब बहुत बड़ी एपेटाइट रहती है, बहुत ज्यादा खाना खा सकते हैं, पूरा एक तंदूरी चिकन अकेले निपटा देते हैं। तो दे हैव जाइनॉर्मस एपेटाइट। मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्टर के जैसा, राक्षस या दानव के जैसा, बहुत ही बड़ा, एबनॉर्मली लार्ज। और आखिरी, कॉलोसल। कॉलोसल अगेन बहुत बड़ा, ह्यूज एंड लार्ज इन वॉल्यूम और साइज। एग्जाम्पल, द चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज अ कॉलोसल स्ट्रक्चर स्प्रेड ओवर 691 acres. आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे और इनको कैसे यूज करते हैं समझ में आया होगा। ये 10 एडजेक्टिव्स बहुत ही कॉमन एडजेक्टिव्स हैं और एग्जाम में रूटीनली पूछे जाते हैं। थैंक यू।